शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। तेल की कीमतों में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। सोयाबीन, सीपीओ, पामोलियन तेल, मूंगफली के सभी के रेट्स नीचे आ गए हैं। वहीं मांग बढ़ने की वजह से सरसों की कीमत में सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा बाकी तेल की कीमतें सामान्य रही हैं। वहीं बाजार सूत्रों ने बताया कि बीते हफ्ते मलेशिया एक्सचेंज के कमजोर रहने से सीपीओ के भाव पिछले हफ्ते के मुकाबले नुकसान के साथ बंद हुए। वहीं सूत्रों ने कहा कि मंडियों में सरसों की आवक निरंतर घट रही है और समीक्षाधीन सप्ताह में इसकी आवक घटकर लगभग 2.75 से 3 लाख बोरी रह गई, जबकि देश में सरसों की मांग प्रतिदिन करीब 5 लाख बोरी की है। सरसों की अगली फसल आने में लगभग 8 से 8.5 महीने की देर है और बरसात के साथ इस तेल की मांग बढ़ना तय है। वहीं सॉल्वेंट एक्सट्रेटर्स एसोसिएशन यानी सीन के अध्यक्ष ने भी हाल ही में बरसात के दिनों में खाद्य तेलों की मांग बढ़ने की बात कही। वहीं सरसों और इसका कोई विकल्प ना होने और सभी तेलों में सबसे सस्ता होने के कारण सरसों का रिफाइंड बनाया जा रहा है, जिस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। वहीं सरसों की चौतरफा मांग होने से सरसों तेल तिलहन के भाव समीक्षाधीन सप्ताह में लगभग के लाभ के साथ ये बंद हुए। वहीं सरसों तेल के मामले में 150 से 151 रुपये लीटर के थोक भाव पर खरीद करने के बाद उपभोक्ताओं को खुदरा व्यापारी के सारे खर्च और लाभ जोड़कर 155 से 162 रुपये लीटर के भाव सरसों तेल मिलना चाहिए, लेकिन इसके बजाय ये MRP की आड़ में सरसों तेल 190 से 210 रुपये लीटर के भाव पर बेचा जा रहा है। वहीं सरकार को पहले MRP व्यवस्था को दुरुस्त करने का इंतजाम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।